नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 7 रानीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी अंजु खुराना ने कृष्णा मंदिर से आशीर्वाद लेकर किया चुनाव प्रचार का शुभारंभ। दिल्ली नगर निगम चुनाव में एमसीडी की सत्ता के लिए खींचतान करती दिख रही भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच इस बार कांग्रेस को कमतर आंकना ठीक नहीं होगा। निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने से पहले कांग्रेस ने काफी छानबीन व मशक्कत की और जीत के प्रति आश्वस्त होने के उपरांत ही उम्मीदवारों का चयन किया। नामांकन के उपरांत उम्मीदवारों ने क्षेत्र में लोगों के बीच घूमना शुरू कर दिया है। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवारों को लोगों का भारी समर्थन व भरोसा मिलता दिख रहा है। वार्ड नंबर 60 रानीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी अंजु मदन खुराना भी लगातार जनसंपर्क में जुटी है। गुरुवार को अंजु मदन खुराना ने रानीबाग के कृष्णा मंदिर से आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मदन खुराना, कैलाश खुराना व अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ रानीबाग में। रानीबाग से कांग्रेस ने अंजु मदन खुराना को चुनाव मैदान में उतारा है और अंजु मदन खुराना आज कृष्णा मंदिर में आशीर्वाद लेकर आज अपना चुनाव प्रचार का शुभारंभ कर रही हैं। कितनी खुश है, कितनी गदगद है, पार्टी ने आपको चुनाव मैदान में उतारा है? मैं बहुत खुश हूं और आज मैं सबसे पहले अपना कार्य शुरू करने से पहले मैं मंदिर में कृष्णा मंदिर में के प्रांगण में खड़ी हूं और मैं आज वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं। सबसे पहले मैं सभी भगवान जी को अपनी तरफ से प्रणाम करती हूँ, पंडित जी पंडतानी जी को नमन करती हूँ। और मैं ये जो लड़ाई है आज यहाँ मैं खड़ी हूँ तो ये मैं अपने लिए नहीं खड़ी, मैं रानीबाग सबके लिए, सारे रानीबाग के लिए खड़ी हूँ। और ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये रानीबाग के आत्मसम्मान की लड़ाई है कि उन्होंने किस प्रत्याशी को लेकर आना है कि जो इनके जो रानीबाग का विकास कर सके और रानीबाग को भ्रष्टाचार मुक्त कर सके। क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ की पता है, यहाँ की क्या क्या समस्याएं? देखो, समस्याएं तो मेन यही है कि कूड़े की समस्या हो गई, जो जिसे सारा रानीबाग जूझता है। और जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं उसमें चाहे किसी ने छोटी बिल्डिंग बनानी हो या बड़ी बनानी हो, सब लोग सफ़र करते हैं कि सब लोग पैसा खाने के लिए पहले आ जाते हैं। अब किसी के पास कोई फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा है या नहीं है, पहले उन लोगों को देना पड़ता है फिर अपने कोई कार्य करने पड़ते हैं। तो इसी तरह की कोई समस्याएं हैं, पानी की समस्या हो गई जैसे सीवर को लेकर कि सीवर भर जाते हैं कि जब बारिश वगैरह आती है पानी भर जाते हैं जिससे कि जो बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। तो उन सब ये छोटी छोटी समस्याएं ही हैं जो सबको, ये जो एमसीडी का जो भी हम जिसको चुनते हैं और सोचते हैं कि वो काम करेंगे और वो लोग काम नहीं करते, तो इन्हीं समस्याओं से ज़्यादातर सबको जूझना पड़ता है। आइए हम सीधा बात करते हैं मदन खुराना जी से। खुराना साहब, पार्टी ने आपको मिसेज को यहाँ पे चुनाव मैदान में उतारा है, आप बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत काम किया, चाहे कोरोना संकट का हो चाहे ऐसे भी हर सभी धर्म कर्म के काम में आप आगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पार्टी के सभी हाईकमान को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा। और सबसे ज़्यादा मैं रानीबाग की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बचपन से यहाँ पे रहा, मैंने यहाँ की समस्याएं भी देखी और जितने लोग हैं सब मेरा परिवार है। आपने देखा होगा जब बरसातें होती हैं कितना पानी भर जाता है और मच्छर हो जाते हैं, डेंगू हो जाता है, लोग सोचते ही नहीं है। वो एमसीडी वाला कहता है कि पीडब्ल्यू की ने करना है, पीडब्ल्यू वाला कहता है एमसीडी। अरे आपके घर से थोड़ी कोई पैसा जा रहा है, पैसा तो जनता का है ना, टैक्स से पैसा आता है ना, हम लोग पैसा भरते हैं टैक्स उसी से तो करते हैं। क्या आज तक कभी किसी ने, काउंसलर ने, MLA ने, MP ने कभी अपने घर से पैसा लगाया या अपना मकान बेच के या अपनी ज़मीन बेच के पैसा लगाया? नहीं, ये हम सब जनता का पैसा होता है, ये जो टैक्स से पैसा आता है उसी से ये कार्य होते हैं। उसके बाद भी ये उसको भी खा जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि वो इतनी गंदगी में घुस चुके हैं कि पब्लिक का पैसा भी खा जाते हैं। और ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये रानीबाग की लड़ाई है, ये पूरे रानीबाग के सम्मान की लड़ाई है। रानीबाग वार्ड कब अपने पैरों पर खड़ा होगा,
कब ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो उनके साथ मिलजुल कर काम कर सके। हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि रानी बाग वार्ड पूरे दिल्ली में सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा हो, और इसी तरह हम परिवार के साथ ऐसे मिलजुल कर रहते रहें। कुरान साहब, क्या प्लानिंग है चुनाव जीतने के बाद? अगर अंजू जी पार्षद बनती तो क्या क्या काम होंगे, क्या प्लानिंग है आपकी? अंजू खुराना चुनाव नहीं जीतेगी, अंजू मदन खुराना चुनाव नहीं जीतेगा, चुनाव जीतेगी रानीबाग की जनता, और उसे जीतना पड़ेगा, इस बार उसे जीतना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अभी तक ये सब दूसरों के लिए लड़ते थे, अब ये इनको अपने लिए लड़ना है और इनको दिखाना है कि हम भी लड़ सकते हैं, हम बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है, कोई भी आके हमें पागल बना जाए, बेवकूफ़ बना जाए और करोड़ों रुपए कमा जाए, नहीं, अब इन्हें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। भ्रष्टाचार है यहाँ पे एमसीडी में बहुत ज़्यादा, इसको दूर करने के लिए क्या प्लानिंग है अपने पास? कुछ लोग जेल में है, कुछ जेल में जाने वाले हैं, यही भ्रष्टाचार है और इनको पता चलेगा, यही प्लानिंग है। अब यहाँ पे मौजूद है कैलाश खुराना जी। खुराना साहब, कितने खुश हैं परिवार में टिकट आई है इस बार? मैं ही खुश नहीं हूँ, रानीबाग की जनता भी खुश है। हमारे परिवार की पुत्र वधु को पार्टी ने इस लायक समझा, उसके हाथ में कांग्रेस का झंडा दिया, इससे बड़ी गर्व की और हमारे लिए सम्मान की बात नहीं हो सकती है, और बहुत ही खुशी है। और ये अभी मदन खुराना जी कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ वाकई रानीबाग के सम्मान की लड़ाई है, और इस सम्मान में सारा का सारा रानीबाग हम परिवार के साथ, सारा पूरे परिवार के साथ खड़ा है और कांग्रेस के साथ खड़ा है, और इस लड़ाई को हम प्रभु के आशीर्वाद से या मंदिर में खड़े हैं पंडित जी के आशीर्वाद से, बहुत ही बहुत बड़े अंतर से, भारी अंतर से इस लड़ाई को जीतेंगे, और आगे आने वाले समय में रानीबाग के वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसी प्रकार का, क्योंकि ये जानते हैं यहाँ के लोगों को पता है कि मदन खुराना और कैलाश खुराना 24 घंटे इस क्षेत्र के लिए हमेशा अवेलेबल रहते, पहले भी रहे हैं और अब भी, और खासतौर पर कोरोना काल में तो आपने देखा है, मदन खुराना की सेवा को आपने देखा है, और मदन खुराना ने अकेले सेवा नहीं करी है, ये सिरे उसका नहीं है, उसकी धर्मपत्नी ने, पुत्र वधू ने, हमारी ने ये करके दिखाया, उसका सहयोग पूरा रहा है, अकेला मदन खुराना नहीं कर सकता था, घर पे भी संभालना बहुत जरूरी होता है, तभी मदन खुराना बाहर घूम के सेवा कर सकता है, समाज की करता रहा है, और कोरोना काल में लोगों ने देखा उनका संकट के समय में कितना साथ दिया, कोई साथ नहीं दे रहा था, परिवार के लोग दूर दूर भाग रहे थे, लेकिन उस वक्त ऐसे हालात में चाहे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देना हो, चाहे उनको खाने के पैकेट देने हो, खुद अपनी जान को रिस्क लेकर के किसी ने किया है, उसका नाम मदन खुराना है, और मैं समझता हूँ क्षेत्रीय जनता जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए काम करता है उसको हमेशा प्यार और सम्मान देती है, और मैं जानता हूँ, मुझे इसका विश्वास है कि 100% जीत निश्चित होगी, और फिर से हमें इसका काबिल समझेंगे लोग, हम उसका 100% जिसे कहते हैं वापस करना होता है, हम 100% वापस करके लोगों के सम्मान को और गर्व को और ऊंचा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अंजू मदन खुराना जी और उनके पति मदन खुराना जी, कैलाश खुराना जी, अंजू खुराना, क्योंकि हमें ये पता है बिना कुछ खड़े भी मदन खुराना जी इतनी सबकी मदद करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, पूरा कोरोना में इन्होंने सबका साथ दिया है, चाहे किसी को दर्शन चाहिए हो, आधी रात को 4 बजे भी बुलाए तो वो हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें देखते मैं नींद पूरी करनी है, मैं थका हुआ हूँ कुछ है, दिन रात सबके लिए उन्होंने एक करा है, जब उन्होंने बिना कुछ करे करा तो अब तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है और सब कुछ जीते अंजू खुराना, क्योंकि सब इनके साथ हैं, सबको खुशी हुई है कि शुक्र है इनको टिकट मिली है और जीतना इन्होंने ही है, पक्की बात है, अंजू खुराना ही जीतेगी। आप यहाँ की समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं तो बहुत है, नालियों की, कूड़ों की बहुत समस्या है, लेकिन सड़कों की, और अंजू मदन खुराना ही उसको पूरा करेगी, जीतेगी ही वो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 101% अंजू मदन खुराना ही जीतेंगी, हमको पूरा श्योर है, और हम मंदिर में खड़े हैं, पक्का विश्वास है कि वही जीतेंगी, वही जीतेंगी, वही काम करेंगी सब कुछ। सबसे पहले हमारे गटर ठीक करवाएंगी, खड़े होंगे हमारे गटर सबसे ज्यादा भरे हुए हैं, हमारे जीतेंगी तो हमारा ये ठीक करवाएंगे। क्या लग रहा है इस बार? जीतना चाहिए, हम लोग इन्हीं के लिए खड़े हैं, हमें पूरी उम्मीद है करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू। रानीबाग में अभी तो ठीक नहीं है, कभी सड़कें खराब है, कभी गटर भरे हुए हैं, अब हमें उम्मीद है कि अंजू जी करा देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। थैंक यू। क्या माहौल लग रहा है वैसे? ठीक है, बट थोड़े पानी वानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा हमारे घर में,
बाकी लाइट वाइट की तो कोई समस्या नहीं है, बाकी उसमें थोड़ी सड़कें बनने वाली हैं जो हमारी नहीं बनी हुई। क्या समस्या है? गलियों में बहुत गंद है, हर एक गली में पीछे इतना गंद है कि हमने भी एक मकान लिया, पीछे इतना गंद है कुछ कहने की बात नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ सर। समस्या तो बहुत ज्यादा है। मच्छर भी हैं, बहुत मच्छर है, रात को बहुत मच्छर है। सफाई होती नहीं गलियों में, सफाई के नाम पे तो भाई बहुत गंदी है। बाकी हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ये हमारे मदन खुराना जी की मिसिज जीतती है तो हमें उम्मीद है इनसे बहुत ये कामयाब हो जाएं और हमारे मंदिर की भी पूरी सेवा करें और सारी जनता की भी सेवा करें और जनता का संविधान बड़े अच्छे से करें, हमें बहुत बहुत उम्मीद है। भगवान का किरदार करते हैं जी जी जी, क्या माहौल लग रहा है? जय श्री राम। ये सारा परिवार धर्म के काम पे सबसे आगे रहता है, इतनी बड़ी रामलीला का प्रयोजन करना ये सब अकेले का काम नहीं है, बहुत 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 बड़ा काम है और ये अकेले अपने ऊपर छोड़ते हैं। धर्म का काम बहुत अच्छा करते हैं, पूरी रामलीला का और दुशहरे का इतना बड़ा महोत्सव होता है वो सब ये अकेले उठते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। जो इनको जानते हैं उनकी सेवा तो ये करते ही हैं, लेकिन जो इनको नहीं जानते वो भी इनकी सेवा वो भी करते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छा परिवार है और सबकी सेवा करते हैं। जय श्री राम। पंडित जी, हाँ जी, आपने आशीर्वाद दे दिया है जो मदन खुराना जी को? हाँ, आशीर्वाद दिया है, हनुमान जी कृपा से विजयी होंगे और ये इन्हें सेवा करते हैं, रामलीला का भी मंदिर का भी देखभाल करते हैं और जनता का भी वो करते हैं, सहयोग देते हैं, जैसा है अच्छा करते हैं, इसीलिए हमको बड़ी खुशी हुई है। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। आपने भी आशीर्वाद दे दिया है? आशीर्वाद मैंने दे दिया मेरे भाई है, ये जीत जरूर होगी इनकी, हनुमान जी की कृपा से जीत जरूर होगी, मेरे भाई हैं ये कहने की कोई बात नहीं है। मिलते किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।